आइए दोस्तों, आज फिर से करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स अपने किचन में और लगाते हैं चूल्हे में आग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम हर एक वीकेंड कोशिश करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंटल रेसिपी बनाने का। तो आज के एक्सपेरिमेंटल रेसिपी के लिए हम बनाने जा रहे हैं सेजुआन स्पेगेटी कार्बोनारा। और उसी के लिए आइए देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो उसके लिए हम ले लेंगे 400 ग्राम जितना स्पेगेटी, या फिर हम ले सकते हैं स्टिक नूडल्स भी उसके जगह पर। और उसके साथ में हमें चाहिए होगा 2 लार्ज एग्स, और एक एग का हम लोग योल्क निकालेंगे और उसको यूज करेंगे हम लोग। और मैंने लिया हुआ है यहाँ पे बटर क्रीम चीज़, आप इसके जगह पार्मेसन चीज़ भी ले सकते हो, 1/4 कप। 2 गार्लिक क्लोव्स के मिंस्ड करे हुए ले लेंगे हम लोग। फिर से 2 टेबल स्पून यहाँ पे ऑलिव ऑयल ले लेंगे या फिर रिफाइंड ऑयल। फिर चिली फ्लेक्स ले लेंगे थोड़े से। फिर लेमन के जेस्ट ले लेंगे थोड़े से। और टेस्ट के हिसाब से हमें चाहिए होगा नमक और ब्लैक पेपर। और फिर 200 ग्राम जितना हमें चिकन ब्रेस्ट चाहिए होगा। अब इसके जो है हम लोग इसका जो हम लोग डाइस कर लेंगे। दोस्तों, आप सभी को बहुत सारा थैंक्स। हमारे चैनल पर अब 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ऐसे ही आप सब अपना प्यार दिखाते रहें और हम हर वीक ऐसे ही नए एक्सपेरिमेंटल रेसिपीज आपके लिए लाते रहेंगे। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहें और ऐसे ही लाइक कमेंट्स करते रहें और ऐसे ही प्यार देते रहें। बहुत सारा थैंक्स आप सभी को। इस तरीके से डाइस कर लेंगे हम चिकन के ब्रेस्ट। और अब एक स्किलेट में हम वाटर को बॉईल करेंगे। इसमें हम पकाने वाले हैं स्पेगेटी या फिर स्टिक नूडल, जो भी आपने लिया हो। और इसको अब हम सॉल्टी वाटर में जो है इसको बॉईल करके पका लेंगे। तो अब यहाँ पानी गर्म होने के बाद मैं इसमें स्टिक नूडल्स को रख दूंगा। और इसको बॉयल होकर पकने के लिए हम लोग छोड़ देंगे। और जब तक ये पकता है, आइए तब तक हम अपने आगे के ज़रूरत के लिए हम लोग कार्बोनारा बेस को जो है तैयार कर लेते हैं। और उसके लिए हम एक बॉल ले लेंगे। एक बॉल में हम लोग अब जो हमारे पास जो एग थे, तो 2 एग हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, उसको तोड़ के इस पर डाल देंगे। और फिर एक एग का हम बस योल्क डालेंगे इसमें। और उसके बाद फिर जो हमने चीज़ रखा हुआ है, चीज़ को भी इसमें डाल लेंगे और सबको मिक्स करके इसको विस्क करेंगे। और विस्क करके इसको साइड में रख देंगे, जो कि हम लोग बाद में अपना इस्तेमाल करेंगे। आइए अब हम नूडल्स जो है उसको ड्रेन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। यहाँ से पक गया है नूडल्स हमारा। तो इस तरीके से मैंने इसे निकाल लिया हुआ है। और उसके बाद हम 1 कप जो है उस पास्ता वाला अपना वाटर भी रख लेंगे, बाद में ज़रूरत पड़ेगा उसका। उसके बाद हम एक पैन में या फिर स्किलेट में फिर से जो है हम लोग 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे या फिर ऑलिव ऑयल डाल लेंगे। इसको गरम करेंगे हम। गरम होने के बाद इसमें जो हमने चिकन डाइस किए हुए थे उसको रख लेंगे। तो दोस्तों, अब हम अपने पिछले एक्सपेरिमेंटल रेसिपी के फीडबैक पर बात कर लेंगे, जो कि था करी रिजोटो विद तंदूरी श्रिम्प। इसका टेस्ट तो मुझे अच्छा लगा, इंडियन स्टाइल में हमने बनाया था।
और टेस्ट एक्सपेक्टेड था जैसा वैसा ही हुआ, और जो तंदूरी श्रिम्प भी हमने बनाया था उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट रेसिपी हमारा सच में टेस्ट अच्छा दिया, आप इसको ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें। और फिर इसके साथ हम लोग ब्लैक पेपर और सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल देंगे और फिर इसे पकाएंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, तो इसे पकाएंगे हम। अभी देख सकते हो हमारा जो चिकन जो है गोल्डन ब्राउन जैसा हो गया, तो वो पक गया है। अब उसको मैं निकाल के साइड में रख दूँगा और फिर सेम स्किलेट में या फिर सेम पैन में हम लोग फिर से 1 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे और उसमें मिक्स किए हुए गार्लिक को डाल लेंगे और फिर जो हम लोगों ने लेमन जेस्ट तैयार किए हुए थे और जो चिली फ्लेक्स थे हमारे पास उसे भी डाल लेंगे और उसको सॉर्ट करेंगे थोड़ा देर। और जब ये सॉर्ट हो जाएगा तो उसमें हम लोग फिर से अपना जो पास्ता ड्रेन करके रखा हुआ था उसको इसमें अब रख लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स भी करेंगे और इसे पकाएंगे भी थोड़ा देर मीडियम लो फ्लेम पे। दोस्तों अब जब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमें मोटिवेटेड रखने के लिए आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, फीडबैक दे सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन के साथ कि आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और इसे थोड़ा देर ऐसे ही पकाने के बाद अब इसमें जो हम लोगों ने चिकन को पका कर रखा हुआ था साइड में उसको भी रख के मिक्स कर लेंगे। फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे थोड़ा देर पकाएंगे। और फिर से इसे थोड़ा देर पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जो विस्क करके हमने रखा हुआ था कार्बोनारा बेस, उसे अब हम इसे मिला देंगे और फिर से अच्छे से हम लोग नूडल्स को मिक्स कर लेंगे। और ये कार्बोनारा बेस डालने से पहले ध्यान रखें कि हमें अपना गैस ऑफ कर लेना है और तब कार्बोनारा बेस को डालें इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और इसको अपने हिसाब से क्रीमी और बनाने के लिए जो हमने पास्ता का वाटर रखा हुआ था उसको फिर अपने हिसाब से मिक्स कर सकते हैं थोड़ा सा। और फिर से हम लोग सर्व कर लेंगे और इसका फीडबैक हम देंगे अगले अपने एक्सपेरिमेंटेड रेसिपी में।